नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेन कुर्ती का पैच वर्क के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। तो दोस्तों, डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक ये कपड़ा लिया हुआ है पैच वर्क के लिए। आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा फ्लावर वाला ये फैब्रिक है। और पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे मैजेंटा कलर का मैचिंग करते हुए कपड़ा लिया है। एक हमने ली हुई है यहाँ पे बुकरम। तो जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 6 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप लेंथ होगी हमारी यहाँ पे 7.5, और यहाँ पे सिंपल सी शेप डाल देंगे। पान पत्ते वाला हमें नेकलाइन बनानी है, कटिंग कर लेंगे इसी निशान के ऊपर। बाहर की साइड 1/2 से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने सिंपल सी नेकलाइन यहाँ पे कटिंग कर ली है, जो कि हमारी कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। अब हमें ऊपर का यहाँ पे एक पैच कटिंग करना है। पैच कटिंग करने के लिए हमने एक बुकरम का पीस लेना है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लेते हैं ऐसे, और नेकलाइन के साथ साथ में निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, जितना भी आपने पैच लगाना है। और यहां से हम पत्ती की शेप डालेंगे। और इसी शेप के ऊपर यहां पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पत्ती बन गई है, ये हमारा यहाँ पे नेकलाइन आएगा। अब हम इस नेकलाइन को पेस्ट करेंगे प्लेन कपड़े के ऊपर, और जो ये पत्ती है ये पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला कपड़ा है इसके ऊपर। तो ये नेक भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है इस तरीके से, और ये पैच भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, जो कि हमारा ऊपर से यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अब मशीन के ऊपर चलेंगे और सीखेंगे इस डिजाइन को बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम ये वाली नेकलाइन सिंपल तरीके से तैयार कर लेंगे। Thank you.
तो ये देखिए दोस्तों, हमने सिंपल नेक लाइन यहाँ पे कर लिया है तैयार। अब हम ऊपर से यहाँ पे पैच लगाएंगे, तो इसको भी रेडी करेंगे पाइपिंग के साथ में। ये है हमारे पास पाइपिंग का कपड़ा, तो यहाँ पे हम जो इसको तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली लाइन तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाई है बुकरम के ऊपर लगाई है, जितनी चौड़ाई से हमें पाइपिंग निकालनी होती है। अब हम कटिंग कर देंगे यहाँ पे बुकरम के साथ साथ। यहाँ पलटेंगे इस तरीके से, पलटने के बाद यहाँ पे हमारी पाइपिंग आ जाएगी और पाइपिंग के साथ साथ हम लगा लेंगे सिलाई। दूसरी साइड भी ऐसे ही पाइपिंग निकाल लेंगे, जैसे हमने इधर निकाली है ऐसे ही हम यहां पे निकालेंगे। यहाँ पे भी ऐसे पलटते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नीचे की साइड हम नोक बना लेंगे अच्छी सी। तो ये देखिए, हमने पाइपिंग निकाल ली है और हमारा पैंच हो गया है यहाँ पे रेडी। अब हम इस पैंच को यहाँ पे फ्रंट में नेक लाइन के ऊपर एक साइड में इस तरीके से रखते हुए अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक साइड में पैच अटैच कर लिया है।
दूसरी साइड में हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक साइड में यहाँ पे पैच वर्क का काम किया है, दूसरी साइड में हमने सिंपल से छोटे वाले बटन लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप हल्के पुल्के कपड़े से मैचिंग करते हुए बहुत ही सुंदर सी नेक डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो, जैसे मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।